और इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी मान्यता का प्रतीक खीर भवानी मेला शुरू हो गया है। मेला शुरू होने से पहले खीर भवानी यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का जत्था जम्मू के जगती से गांदरबल में खीर भवानी मंदिर पहुंचा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बसों में सवार होकर कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। दशकों से विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडित हर साल इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार करते हैं, इसलिए हर साल भारी संख्या में कश्मीरी पंडित खीर भवानी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है माता खीर भवानी। बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू यहां पर पहुंचते हैं। हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। देश दुनिया से पहुंचे हैं कश्मीरी पंडित। गांदरबल में है खीर भवानी मंदिर। आतंकवाद की वजह से यहां इस मेले पर भी काफी असर पड़ा था, लेकिन हालात जब बेहतर हुए तो उसके बाद से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पहुंचते हैं। कश्मीरी पंडितों की आस्था और विश्वास दोनों का प्रतीक है खीर भवानी मंदिर। यहां से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, कई चमत्कार भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर इस मंदिर में स्थित कुंड से कई रहस्य भी जुड़े हैं। खीर भवानी मंदिर में एक कुंड है जिसे चमत्कारी कुंड कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि यह कुंड आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। कहते हैं कि जब भी कश्मीर पर कोई मुसीबत आती है, इस कुंड के पानी का रंग बदलकर काला और लाल हो जाता है। वहीं जब इस कुंड के पानी का रंग नीला या हरा होता है तो यह खुशहाली का संकेत देता है। इस बार कुंड के पानी का रंग नीला दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो खीर भवानी के पानी का रहस्य क्या है? लाल या काला रंग संकट का संकेत देता है, जबकि नीला या हरा रंग खुशहाली की ओर इशारा करता है। और इस बार इस पानी का रंग नीला है। ऐसे में माना जा रहा है कि कश्मीर के लिए यह साल काफी अच्छा होने जा रहा है। के बीच आज बेला खीर भवानी जो है यहाँ तुलमुला के इस माता रागनी के मंदिर में जो है मनाया जा रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, यहाँ माता रागनी जो माँ दुर्गा का अवतार है, उनका जो है जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। और हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं इस अवसर पर। और आप देख सकते हैं पूरा ये परिसर जो है मंदिर का वो भरा हुआ है। और इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो कुंड है, यहाँ पर जो स्प्रिंग है, जो पवित्र कुंड है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये पवित्र कुंड है यहाँ पर, जहाँ जिसके ऊपर ये माता रानी का जो है मंदिर बना हुआ है। और इसी कुंड की जो है यहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि ये कुंड जो है काफ़ी महत्व रखता है। बताया जाता है, मान्यता भी है कि इस कुंड का पानी जो है आने वाला भविष्य बताता है। अगर इसका रंग काला या लाल होता है तो मानवता पे कोई आपदा आने वाली होती है। जैसा कि देखा गया है कारगिल युद्ध में, इसका रंग जो था काला बताया जा रहा था, और जब कोरोना काल था तब इसका रंग लाल था, लेकिन आज इसका रंग जो है बिल्कुल हल्का नीला दिख रहा है। और ये एक शुभ समाचार है, क्योंकि आने वाला जो साल है वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए अच्छा होगा, खुशहाली भरा होगा। और हज़ारों की तादाद में आज यहाँ इस मंदिर परिसर में कश्मीरी पंडित के अलावा देश के विभिन्न इलाकों से जो है हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से दिए यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, और बिल्कुल उत्सव जो है मेले का उत्सव यहाँ पे दिख रहा है। और जो आज उम्मीद है कि करीबन 50 से 60 हज़ार के करीब जो है संख्या श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है इनके लिए। तो खीर भवानी पहुंच रहे श्रद्धालु इस बार पानी का रंग देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि इस बार कुंड के रंग में नीलापन देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन ने उनसे बातचीत की। सर बहुत अच्छे प्रबंध है, अच्छा खाना पीना है, रहना भी अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ। आप देख रहे हो पब्लिक बहुत ज्यादा है, फिर भी प्रबंध बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मान्यता के है कि कुंड जो है पानी जो है भविष्य बताता है, तो आज कैसा है? आज अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कल से ही बहुत अच्छा लग रहा है। कल इसमें सफाई कर रहे थे, वहाँ माता ने अपने दर्शन दे दिए, बड़ा मस्त था। जो प्यार आदमी चाहता था बार बार देखे, बार बार देखे, अभी भी आप देख लीजिए, बड़ा शांत सुबह में माता रानी के दर्शन दे रही है लोगों को। अच्छा लगा, इस सरकार सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है। तो हम इतनी दूर से आए हैं, जम्मू से आए हैं माथा टेकने,
तो अच्छा ही लगा, तो तभी आए हैं, ऐसे कैसे आना था? बहुत अच्छा है, मैं 4 साल से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ खीर भवानी मंदिर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, जैसा कि श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की, काफी वे खुश नजर आ रहे हैं, खीर भवानी की क्या कुछ अहमियत अगर मानी जाए आज के दौर में जम्मू कश्मीर में है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर है और कश्मीरी पंडितों के लिए ये बहुत ही मान्यता रखता है और कश्मीरी पंडित समुदाय इसे कुल देवी के तौर पर भी पूजते हैं। इस मंदिर में आपको मैं आज दिखाना चाहता हूँ, ये कुंड जो है, इसी कुंड पे जो होली स्प्रिंग है, इसके ऊपर माता रागिनी का ये मंदिर बना हुआ है जो माँ दुर्गा का अवतार बताया जाता है। और यहाँ पर ये वर्षों से जो है उपस्थित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज के दिन जैसे अष्टमी के दिन जो है इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि ये कश्मीर के भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ जो मुस्लिम समुदाय आसपास है, वो प्रसाद जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो सब मुस्लिम समुदाय बनाती है और फिर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे लेकर अंदर लाते हैं। दूध हो, खीर हो, फूल हो, चिराग हो, हर चीज़ वो तैयार करते हैं और ये लोग माता के चरणों में उसे अर्पण करते हैं। आप भी इस वक्त देख सकते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर उत्सव लग रहा है, जो मेला पूरा 90 के दशक से पहले देखने को मिलता था इस मंदिर में, वही दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं। और जिस भी भक्त से हमने बात की है, उन्होंने यही कहा कि आज व्यवस्था बेहद अच्छी है। जो जम्मू बाग में कुछ घटनाएं हुई थी उसके बाद सुरक्षा को लेकर चिंता ज़रूर बढ़ी थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जो है अच्छी की गई है। 3 टायर सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है और कुंड का पानी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है नीला दिख रहा है और ये शुभ संकेत है। माता के इस कुंड का पानी जो रंग दिखाता है, अगर इसका हल्का नीला या सफ़ेद रंग होता है तो आने वाला साल जो होता है वो बेहद बताया जाता है कि सुखमयी होता है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, शांति रहती है, तरक्की होती है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो भारतवर्ष है वो आज लग रहा है कि वो तरक्की के दौर पर चलेगा। बिल्कुल, ये कुंड का पानी इसलिए बिल्कुल कश्मीर में खुशहाली बनी रहे, ये कश्मीर के वासी ही नहीं बल्कि पूरा देश यही चाहता है। खालिद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।